सीतापुर में बिजली की परेशानी से नाराज किसानों ने पावर हाउस का घेराव कर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बिजली की परेशानी से नाराज किसानों ने विद्युत उपकेंद्र में ताला जड़ दिया, उच्च अधिकारियों के आने की मांग करते हुए धरना देने लगे। परेशानी यह थी कि दो दिन पूर्व टाउन फीडर का ट्रांसफार्मर फूक गया था। टाउन फीडर के ट्रांसफार्मर से ही हैदरपुर फीडर की विद्युत सप्लाई जारी थी, जिससे मैपल वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए विद्युत आपूर्ति जा रही थी। वोल्टेज की समस्या पहले से थी। इस सबसे आजिज आकर किसान विद्युत उपकेंद्र पर आ धमके और अधिकारियों के आने की मांग करते हुए उपकेंद्र में ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। एसडीओ रामाज्ञा ने काफी मान मनोवल की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रदर्शन स्थल उपकेंद्र पर एक्सीएम केसी आजाद पहुंचे, जिन्होंने किसानों को समस्याओं के संबंध में सावधान कराने के लिए आश्वस्त किया। किसानों की ओर से नेतृत्व कर रहे किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू व देवेंद्र सिंह ने समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बलकार सिंह, गुरुदीप सिंह चीमा, बलवंत सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन आज यह दिया गया है, एक्शन साहब द्वारा विश्वास चल के आए हैं वो, जो ये फीडर पे ट्रांसफार्मर खराब था, जिसके लिए किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष ने इसका ज्ञापन भी दिया था, हमारे साथ भी बैठे हैं हमारे देवेंद्र भाई, तो आज जब आए हैं साहब, इन्होंने ये कहा है कि शाम तक ट्रांसफार्मर आ जाएगा, दो चार घंटे उसको जो है गर्म करने में लगते हैं, उसके बाद कल लाइन चालू हो जाएगी। जब तक लाइन चालू नहीं हो रही है तो जो दूसरे फीडर चल रहे हैं वहां से तब तक किसानों को कम से कम इतनी लाइट जरूर दी जाएगी जिससे घर का मोटर चल जाए, अब जिससे पशुओं को भी पानी पिलाने में कोई दिक्कत ना हो, घर का मोटर चल जाए, लाइट जल जाए। और उनका यह साफ साफ कहना है कि सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर बड़ा नहीं दे सकते। हमें यह सोच के बड़ी हैरानी हो रही है कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे एक्शन साहब दे सकते हैं कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, इससे किसान को क्या मतलब है? किसान अपना बिल दे रहा है, 100 किसानों में से अगर 50 ने दिया है, 50 के पास समस्या रही है, वो नहीं आगे पीछे दे देंगे कोई बात नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि सरकार के पास पैसा है या नहीं है, उनको तो बत्ती बिजली चाहिए ताकि उनकी फसल खराब ना हो। गन्ने की फसल पूरी खराब हो चुकी, सब्जियां पूरी खराब हो चुकी, सूख रही है, 3 दिन से आज लाइट बंद है पूरे फीडर की, जानवरों तक को पानी पिलाने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौन, इनसे सवाल पूछेगा कौन? हम लोग सब लोगों ने जितने बैठे सबने तो समर्थन किया, अब सरकार बनाई, अब लोगों को धरने लगाने में ये लगता है कि हम अपने खिलाफ सरकार के खिलाफ धरना लगा रहे हैं। हमारा धरना सरकार के खिलाफ नहीं है। जो विद्युत विभाग के कर्मचारी जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जहां जितना लोड है उस हिसाब से बड़े ट्रांसफार्मर रखवाए जाए ताकि सरकार की भी छवि साफ रहे, किसानों को भी बत्ती पूरी मिलते रहे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम हमारा पशुओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, हमें गन्ना हमारा वैसे चला जा रहा, दूसरा सूखा जा रहा, और भी फसलें हैं सब बर्बाद हो गई, हमें बत्ती चाहिए, लाइट चाहिए, हमें नहीं मतलब। आप चाहे जिस फीडर से जोड़ो, टाउन से जोड़ो, सधुआपुर से जोड़ो, किससे जोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। हम किसानों को लाइट जो 18 घंटे हमारी सरकार ने कही है वो हमें लाइट चाहिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करें जी। आप धरना यहाँ पे स्थगित करेंगे? जब आप आश्वासन दिया है और ट्रांसफार्मर भी आ रहा है, हमारा मुद्दा यह है कि हम किसानों का काम हो जाए, कोई और हमारा विशेष मुद्दा नहीं है कि हमें खाली मुली धरना चला के अपना नाम कमाना है या ये दिखाना है सरकार या हम विरोध कर रहे ना, हमारा मुद्दा है कि काम हो जाए। अगर हम किसानों का काम हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता यहाँ धरना लगाना, मजबूर होके हम यहाँ धरना लगाने आते हैं। अब हमें यह भारतीय किसान यूनियन का जो है विद्युत केंद्र हर गाँव पे धरना चल रहा था सुबह से, उसमें जो है आपकी वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता हुई और क्या निर्णय निकाला गया? किसान यूनियन से वार्ता हुई, काफ़ी सार्थक वार्ता रही है और बहुत ही अच्छे माहौल में वार्ता हुई, और इनकी किसान यूनियन की जो मांगें थी, बेसिकली जो बिजली सप्लाई जो लो वोल्टेज और सुचारू नहीं चल पा रहे थे, डिस्टर्बेंस था, इधर ट्रांसफार्मर भी 5 MVA चांस की बात पर जल गया था, तो ट्रांसफार्मर आज रात में पहुँच रहा है और एक नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और उसके भी स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त हुई है,
और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा तो बिजली व्यवस्था तो यहाँ की सुदृढ़ हो जाएगी और किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। और इस पर किसान यूनियन ने अपनी सहमति भी जताई है और सभी इससे संतुष्ट हैं।